एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका। पार्टी को बदल दे रहा है। वैसे टीचर उचर 60-62 में रिटायर हो जाते हैं। 60 में तो आज फाइनली हमारी बाउंड्री जो है कंप्लीट हो जाएगी। और थोड़ी हंसी थोड़ी बातें ऐसे चल रही थी बच्चों से। और मिस्त्री यहाँ पे देखिए, हमारा जो दरवाज़ा का था, जैसे चूहा चला जाए थोड़ा, इतना गैप था वो मिस्त्री बना दिए। देखिए कहते ना कि हम छोटी सी चीज़ नहीं कर सकते। जैसे हम अगर बना रहे हैं रोटी, तो वो सबके बस के नहीं है, तो रोटी हम ही बना सकते हैं जो बना रहा है। तो भाई जिस मिस्त्री ये घर बनाते हैं, तो मिस्त्री वही काम कर पाते हैं जो हम नहीं कर पाते। मतलब चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, मिस्त्री तुरंत उसका हल निकाल लेते हैं। तो श्रेया कुछ बता रही थी मुझे, और मुझे इस तरह से कोई पकड़े तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। श्रेया से तो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, बाकी मुझे इस तरह से कोई पकड़े तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मिस्त्री मेरे ससुराल के हैं ना, तो मुझे सर पे पल्ला रखना है। और मैं जब नीचे थी तो मैं ऐसे ही उल्टा पुल्टा सर पे पल्ला रख ली थी। तो बहुत सब लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ मिस्त्री काम नहीं करते हैं और इधर उधर काम, मतलब टाइम पास करते हैं। लेकिन सच कहें कि इधर उधर टाइम तब पास करते हैं जब आप मिस्त्री को मिस्त्री के हिसाब से समझोगे, इंसान नहीं समझोगे उन्हें। सिर्फ उनको बस समझोगे कि हाँ, आज मैं इन्हें पैसा दे रही हूँ और मैं इन्हें नौकर की तरह ट्रीट करूँ, और जितना पैसा दी हूँ उतने हिसाब से वसूलूँ। तो उसको करने के लिए आप उनसे थोड़ा सा अगर हमदर्दी से बात करोगे, कहते ना प्रेम से बात करोगे, कहते प्रेम वाला शब्द जो है बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये देखिए, ये छोटू हैं। छोटू मतलब मैंने कहा बेटा यहाँ पे यहाँ का मलबा हटा दो, क्योंकि मतलब पूरा इधर उधर सामान फैला और बालू जगह जगह खिस 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 खिस, समझ लीजिए कि एकदम दिमाग ख़राब हो गया था। पहले जब काम नहीं स्टार्ट हुआ था तब बड़ा अच्छा लग रहा था कि काम स्टार्ट हो जाए, और जब दूसरे को देखती थी तो कि सोचती थी मेरा भी घर बने। और अब लग रहा है कितनी जल्दी घर बन जाए, मतलब जल्दी जल्दी सिमट जाए। तो अब ये मुझे ऐसे लग रहा है। तो यहाँ दोनों भाई, मतलब ये दोनों सगे भाई हैं। और मैं जैसे कि आप लोगों को कह रही थी ना कि अगर मिस्त्री को मिस्त्री के हिसाब से समझोगे, इंसान नहीं समझोगे, सोचोगे कि हमने इन्हें पैसा दे रहे हैं तो ये सारा हमारा काम ख़त्म कर दें, तो इस हिसाब से इंसान कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी इंसान हो, वो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर उनसे थोड़ा सा हंस के बात कर लोगे, उनका चाय नाश्ता करा दोगे, तो उनके अंदर इतनी तो इंसानियत हमेशा ही रहती है सभी के अंदर, तो वो आपका काम बड़े आसानी से कर देंगे। और कहते ना कि हंसते हंसते सफ़र कट जाता है, तो बिल्कुल वही बात है। तो यहाँ पर मैंने छोटू को काम बता के फिर मैं गई आगे, और फिर आगे से वहाँ से तसला ले आई। तो मैंने सोचा छोटू अकेले ही कर रहा है, बेचारा थक जाता है, थोड़ा सा हम लोग नहीं कर देंगे हेल्प तो ज़्यादा उसको आराम मिल जाएगा और काम भी आसान हो जाएगा। तो उसी वजह से मैं यहाँ तसले में जो बड़े बड़े से मलबे का टुकड़ा था उसको मैं हाथ से डालने लगी। तो देखिए मेरा हाथ पकड़ के कह रहा है कि आंटी यहाँ से आप हटो, नहीं तो आपको मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। और फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे में यहाँ पे जो मलबा वगैरह गिरा था इसको साफ़ करें। आजकल यही आलम चल रहा है, एक बार साफ़ करो फिर उसको खाना बनाओ, चाय नाश्ता बनाओ, फिर उस मलबे को फिर से नेक्स्ट डे में साफ़ करो। तो बस यही आजकल चल रहा है। और फाइनली जब वो कंप्लीट होगा तब, मतलब मैं उतना सपना नहीं सोची हूँ जितना कि मतलब एकदम
कंप्लीट, और वो बस मुझे ये लग रहा है कि मेरा बड़ा हो गया है, और नहीं भी कंप्लीट होगा तो भी चलेगा। अच्छा, मतलब पेंट वगैरह नहीं करवाना है? नहीं, मतलब पेंट वगैरह सिर्फ बात नहीं, जो कवर्ड वगैरह वगैरह है वो अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा। अब पहले हम लोग का प्लान था लेकिन तब कुछ दिन इस दीवार को तोड़वाने का, फिर उसके बाद हम कुछ दिन रह लेंगे ना, तब तो लगेगा कि नहीं यार अब कंप्लीट होना चाहिए। बट फाइनली ये दीवार नहीं टूटी। हाँ, हम सोचे थे वहाँ तक पूरा तोड़वाएंगे, ये मेरा दिमाग चला है क्योंकि मैं अपने इस चीज को देखती थी ना और उधर देखती थी तो मुझे बहुत प्यार आता था कि मेरा इतना बढ़िया सा दीवार टूट जाएगा, तो मुझे लगा नहीं करना चाहिए। बस फिर क्या था? तो मैंने नहीं। कितना मन था किचन तोड़वाने का, कितना नहीं तोड़वाने का और कितना टूटा है। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हम सोचते हैं और होता कुछ और है। तो मैं यहाँ पे लगे हाथ जो है मिक्सर को साफ़ कर रही हूँ, आज साफ़ कर रही हूँ, कल फिर से गंदा हो जाएगा। और अभी फाइनली मेरा किचन जो है यहाँ पे ऊपर जो उसको सपोर्ट देना था वो हो गया है, स्लैब ढल गया है, बस इसको प्लास्टर करना है। प्लास्टर ही बोल देना, हाँ प्लास्टर ही करना है, मुझे नहीं पता है आ रहा है कि क्या मैं सही बोल रही हूँ कि गलत। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे मलबे, और इस नाना आना मतलब जाना यहाँ पे कठिन हो रहा है, और इस थ्रू पूरे घर में मिट्टी मिट्टी से हो रही है, जबकि उधर साइड में नहीं खुला है फिर भी वहाँ पर मिट्टी जा रही है, भगवान जाने कहाँ से। और रोशनदान भी नहीं है, और मैं पूरे किचन को यहाँ पर साफ कर रही हूँ। और मैंने अभी बनाया पोनी, और पोनी बनाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ देर अपने बालों को जूड़ा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड रहता है कि आप जूड़ा दिखाओ, पोनी दिखाओ, अपने बाल दिखाओ। तो चलो फाइनली ये मैंने पोनी बनाया है, जूड़ा तो नहीं बनाया है, जब जूड़ा बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सागर भरे ना भरे घड़ा ज़रूर भर जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी टिप 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 कर रहा है, और टिप टिप करने की वजह से यहाँ पर ये पूरा बकेट जो है भर गया है। तो ये चीज़ होती है, और मैं श्रेया को दिखा रही थी, देखिए कि क्या क्या करना है अब, ये कैसे कैसे होना है ये सारी चीज़ें। और किचन में तो वैसे भी मतलब भीड़ लगी रहती है, और अभी क्या है कि पूरे किचन में बर्तन मिट्टी से सने हुए, मिट्टी धूल पड़े रहेंगे, और एक तरफ से साफ़ करती हूँ एक तरफ से बनाती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि जब यहाँ पे काम होने लगेगा तो हमारा किचन का सारा सामान यहाँ से हट जाएगा, लेकिन फिर जब नहीं हटा तो बस यही धूल के साथ इसको साफ करके काम चला रहे हैं। और अगर जिस दिन हेल्पर नहीं आती उस दिन तो और भी काम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला हो जाता है, और हेल्पर आ जाती है तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। और यहाँ पे दूध भी सुबह ले आई थी, पता है एक दिन क्या हुआ कि मैं भूल ही गई कि मुझे दूध भी लेना है, फिर उसमें पाइप ले आके तभी तरी होगा, क्योंकि पाइप रहेगा तो ऐसे आराम से हो जाएगा ना, और वो ऐसे तो डाल नहीं पाएंगे। नहीं, इसमें चढ़ के डाल सकते हैं, इधर से भी डाल सकते हैं, इधर से तो बहुत जम गया जाएगा, लेकिन दिक्कत इधर से भी तो चढ़ के डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन पाइप रहेगा तो ऐसे जगह जगह धर रखोगे, और हम नीचे कुछ बर्तन ले लेंगे जहाँ ताकि वो जो पानी छू रहा है ज़्यादा मात्रा में वो पानी इकट्ठा कर ले, नहीं तो बहुत कीचड़ हो जाएगा और फिर नीचे भी ज़्यादा छिपका करेगा कीचड़ कीचड़ सा। आज मैं बहुत कुछ सोची थी लेकिन कुछ कर ही नहीं। अभी पूजा में भी जाना है, हाँ अभी वहाँ भी जाएंगे तो फिर वहाँ पर गंदा हो जाएगा,
फाइनली क्या बनाऊँ, आलू गोभी की सब्जी सोयाबीन की, सोयाबीन की परवल रखी है, परवल भैया खाएगा नहीं, वो खराब हो रही है, दमालू अरे यार है टाइम, नाटक नहीं नाटक नहीं कर रही हूँ, दमालू के लिए टाइम चाहिए। आलू पराठा बनाओ फिर, वो तो भैया खा लेगा, जब हम ही लोग की फरमाइश पे बनाना है तो बनाओ आलू पराठा। कौन कहा कि तुम्हारे लोग की फरमाइश पे बना रहे हैं, ये मैंने तो बोला भी नहीं। दाल डालते हैं सीधे फिर दाल पे आ गई है, भाई भाई खाओ भाई नहीं यार, इससे अच्छा दाल ही बना लेते हैं। हाँ तो सब्जी भी बनानी पड़ेगी, नहीं तब सब्जी तब आलू परवल की भुजिया बना खाओ तो तुम्हारे लिए बना दूंगी। और दाल में दो आलू, मैं सुबह 5 बजे की जगी हूँ ना, इसलिए मुझे नींद सी लग रही है। फाइनली बात ये है कि मेरी माँ आलसी हो चुकी है बस ना मैं। तो चलिए अब वीडियो इन करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा।